शुरू कर जी। वेलकम टू अनदर ब्लॉग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट रिस्टोरिंग दिस मैरान। इसको इंशाल्लाह हम अभी खू जाएंगे एंड इसके ऊपर हमने इसका बॉनेट वगैरह ढूंढने हैं, पार्ट्स ढूंढने हैं। तो आई टोल्ड हारिस की खैर है यार, प्रोटीन शुटीन भर और गाड़ी प्लान करवा, बट हारिस एज यू नो बिग बॉक्स हैं थोड़े, तो कहते हैं नहीं प्रोटीन का कोई सीन नहीं, पार्ट सारे गाड़ी में नए आएंगे। और फुल वैशी किस्म का जो है ना, अमीर की सुपरा वाला, इसको मिड नाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू भी कहते हैं। नहीं ब्लू ब्लू नहीं, ज़रूरी नहीं है ब्लू। हाँ वो अभी कह रहे छोड़ा हूँ। तो हम पहुँच गए फाइनली सुल्तान की कू एंड ओवर हेयर वेयर देन आई फाइंड सम पार्ट्स फॉर दिस कार। इसके अंदर हम नोज कट शोज कट हो गया, फेंडर हो गया, बॉनेट शॉनेट हो गया। तो जस्ट एन अपडेट, हम आपको साथ साथ अपडेट भी करते जाएंगे। ये देखें ना, इसका जो है ना बोनट बहुत मेंट कंडीशन में नजर आया। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत हैं, जापानी डैशबोर्ड माशाल्लाह से 40-40 हज़ार रुपए की भी हैं यहाँ पे मेहरान के, 20-20 के भी। बट आप मेहरान के टॉपिक से साइड पे हैं ना, तो मुझे बड़े लोग जो हैं वो कहते थे यार माशाल्लाह तुम्हारी इस टाइम का स्टेयरिंग बड़ा फिट है, इससे छोटा स्टेयरिंग हमने नहीं देखा, ये ना हटाई। मैं बड़ा ईगो में आके बड़ा जो खुश था, यार मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग बड़ा कंट्रोल में होता है, ये देखें ये स्टीयरिंग कोने में चला गया, मेरा सारा ईगो ब्रेक हो गया। नाउ आई वांट दिस स्टीयरिंग इन माय कार। उसके बाद आप मेरी ड्रिफ्टें देखें। ये देखें जी, ये इसका मारुति वाला जीटी वाला बोनट है इसका, और ये बम्पर एसी के साथ का बम्पर ग्रिल, और ये इसका ये भी मारुति वाला डैश है, ये ब्लू कलर में है। आप देखें इसके ब्रॉन्ज इंटीरियर, फिन्स वगैरह हैं इसमें, ये देखें, और बिल्कुल सही है ये। और इसके साथ वो सेंटर कंसोल इसी का है, वो देखें जी, सेंटर कंसोल भी है इसके साथ। दिस इज बेसिकली ऑडियो बजट, आप जब ये डाल लेंगे ना तो आपको खास फर्क नहीं महसूस होगा। हाँ, और ये देखें जापानी, ये जापानी मेहरान का फ्लैग डैश है आरपीएम मीटर के साथ, और ये तो खैर एफएक्स के पड़े हैं। ये देखें, ये इन भाई के पास आरपीएम वाला मीटर है मेहरान का, मैनुअल वाला। ब्लैक में भी लगा हुआ है, हाँ वो ब्लैक डैशबोर्ड। और ये देखें, ये ऑटो वाले मेहरान के अपने, इफ यू गो फॉर टर्बो तो ये हाई रेव, और ये हाई रेव वो है मीटर है इसका, जिसमें ये ऑटो भी है और आरपीएम भी है। सो यू कैन डू बी अ सिविल वाला लोग, ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह। मुझे नहीं पता था ये सामान मिलता होता है इस तरह, मैं समझा बड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये इनकी शॉप है। ये पीके ऑटोज़ के साथ आप अंदर आएंगे ना खू में, तो ये एंड पे आती है ये शॉप, और बड़ा ज़बरदस्त माल इधर पड़ा हुआ है। ओके, सो पार्ट्स हमने खरीद लिए हैं गाड़ी के, वी गॉट अ प्रीटी गुड डील, इट्स अ वेरी नाइस शॉप। यहाँ पे ना लाइट और बम्पर से लेकर ना फर्श और छत तक सब कुछ अवेलेबल है। ये इन भाई ने हमारा सारा सामान एक जगह किया है पर्ची बना के। सबसे प्राइस पोजीशन ये है, इसको कहते हैं बर्फी, बर्फी नॉट जस्ट बर्फी। हां जी, तो ये इसकी लाइटें वगैरह, उसके अलावा ये फेंडर मैंने ख़रीदे हैं, ये देखें ये क्रिस्टल वाली लाइटें हैं ब्लू वाली, और ये इसके साथ फुल जो है ना गाड़ी जो है ना बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। सही है, हाँ रोल्स रॉयस लेवल का है, और ये इंशाल्लाह फेड नहीं होंगी, आपने प्रेशर वाला पानी। हाँ, और उसके अलावा जो है ये जहाँ पे बोनट बंद होता है वो वाली पट्टी, बम्पर वाली पट्टी, ये फेंडर है, बोनट है, तो इनके पास तकरीबन सब कुछ अवेलेबल है। आप आएँ, ये लव यू कर देंगे, प्यार मोहब्बत कर देंगे भाई उनके साथ, ये लोग वापसी का किराया भी देंगे आपको, बल्कि ज़्यादा हो वापसी का किराया नहीं। बाकी वो रेट वगैरह बदलते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द हाउस चाय भी मिलती है, बट हम स्ट्रिक्ट डाइट पे, हार्ड शुगर नो कैफीन। तो ये इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन बात यह है कि जब तक आप आएँगे तो रेट शेट का कुछ नहीं पता, तो रेट रहने दें। नाउ वी आर बैक, सामान छमाना मेहरान का ले आए हैं, इश्यू हम वापस आ गए हैं। मेरा नाम क्रिसिडा ने ब्लॉक किया हुआ है, वरना मेरा नाम नीचे ब्लू कलर का बड़ा वो स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है। अच्छा, तो सीन ऐसा है, अगला दिन है और अभी हम बैठे हैं, मैं ही बैठा हूँ जीप में, बॉयज बैठ रहे हैं, अभी जाते हैं देखते हैं मेहरान का क्या काम हुआ है। डेंटर को दे दी थी गाड़ी, तो देखते हैं काम किधर तक पहुँचा है, पार्ट्स वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे। यार इसका स्टेयरिंग जो है ना वो बड़ा फिट है, ये देखो, देखिए खुल ना जाना रास्ता, ये सीधा जा रहा है, ये देखिए सीधा जा रहा है, तो ये अल्लाह ना करे कहीं खुल गया गाड़ी चलाते हुए,
ये मुझे पीछे जाना टैक्सी वाला हॉर्न भी दे रहा है। मेरा हॉर्न ज़्यादा पेटा है। अच्छा तो हम पहुंच गए मेहरान के पास। ये देखो बाबा जी फिटमेंट देखो, गुलाई बिल्कुल A1 है। ये दरवाज़ा जो है ना, दरवाज़ा ख़राब है, सामान ज़बरदस्त आया और जनरल हो गई गाड़ी, आवाज़ सुने। ये देखो कैप शैप देखेंगे, इवन है बिल्कुल। तो अब ये ना मैंने 1.5 लाख की ख़रीदी थी, अब तैयार करके ना जेन्युइन कह के ना मैं 10 लाख की बेचूंगा। अच्छा ये देखिए, ये साइड भी तकरीबन हो गई, ये दरवाजे इसके छिल गए, बाकी अंदरों नहीं, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ इसका, गत्ते छत्ते उतार दिए, कोई पीछे गिराए हुए। अच्छा ये इधर वो छत के लिए वो लगे हुए थे माउंट लगे हुए थे, वो भी उतार दिया। बाकी गाड़ी सही है, लाइटें शाइटें उतारी हुई हैं। फ्रंट इसका ये वाली पट्टी और वो नीचे वाली पट्टी तो मैं नहीं लाया, वो ना वही लगेगी। सही है यार, फिट हो गया। बावे ये तो अभी से नहीं दिख रही है, ऐसे ही है, मैं तो सोच रहा हूँ अभी ले जाऊँ, है ना। पूरी गाड़ी इसी रंग में कर लें, से बहुत सेक्सी लगेगी, है ना, नाडो ग्रे सोनाटा वाले, सोनाटा वाला रंग मैं आपको दिखाता हूँ, सोनाटा वाली नाडो। ये देखें, ये कलर देखें, सही है, और वो कलर देखें, कोई फर्क ही नहीं है। तो सिचुएशन से अपडेट करता हूँ आपको, हम वहाँ से निकल आए तो चौक पे ना गाड़ियाँ आ गया है ना, तो हमने ब्रेकें अप्लाई किया और सिचुएशन ऐसी है कि ब्रेकें बिल्कुल नहीं है। मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूँ, सबर के अंधेरे से गुजरते हैं ना, क्योंकि फुल ब्रेक मारी है। अच्छा जब मैं कहूँगा, अच्छा तो HM ज़रा फुल ब्रेक लगा, ये फुल ब्रेक है और ये चल रही है। ये भी हम 30 की स्पीड पे थे, हमने फुल ब्रेक लगाई तो हम 20 पे आ गए। ये भाई प्राइमर लग रहा है, ग्राउंड तैयार हो गया, अस्तर जैसे कहते हैं, तो ये अस्तर डाल रहा है, रंग से पहले डालते होते हैं। तो ये इस पर प्राइमर लग गया, अस्तर जैसे कहते हैं, और ये कलर वाइट से ज़्यादा फिट नहीं लग रहा। बावे मैं गाड़ी की वाइट से बात कर रहा हूँ, शिट है ना, वाइट से ज़्यादा अच्छा तो ये कलर लग रहा है। मैं कहता हूँ कलर मिस करा देता है, हम वो वोट शॉट करेंगे, आप लोगों ने वोट करने शुड बी लीव इट लाइक दिस या इसको वाइट पेंट। तुझे पता है ना, हम वोट करना भूल जाते हैं फिर। तो अमीन ठीक कह रहा था, हम भूल गए वोट कराना कलर के लिए, लेकिन एक और चीज़ भी हम भूल गए, गाड़ी के तैयार होने के बाकी शॉट्स दिखाना। और रेडी हो चुकी भी है, क्या क्या काम हुए हैं गाड़ी में और क्या क्या कॉस्ट आई है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसको बाकी गाड़ियों से कंपेयर भी करेंगे और इसका इंजन स्वैप 660 सीसी का, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, फिर तब के लिए बस यार।